गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मैं चोप को साथ लेकर यहाँ पर घूमने आया हूँ, पर अब काफी थक चुका हूँ, मैं अब और नहीं घूम सकता। पर ये अचानक चोप को क्या हुआ, ये यहाँ से भागने क्यों लग गया? शायद उसे कोई जानवर नजर आ गया होगा, हो सकता है कोई खरगोश हो। पर अब मैं और नहीं भाग सकता क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ, मेरे को थोड़ा यहाँ पर रुक कर कुछ आराम करना होगा। ओ भाई साहब, सामने तो जंगल है, कहीं वो जंगल के अंदर तो नहीं चला गया? मेरे को उसको खोजना ही होगा, नहीं तो वो जंगली जानवरों का खाना बन जाएगा। यार इससे घना जंगल मैंने आज तक नहीं देखा, यहाँ तो पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चोप कहाँ गया होगा। ओ माय गॉड, सामने तो कोई जंगली जानवर है, मेरे को तो शेर लग रहा है। चलो इसको गोली मार देते हैं, नहीं तो मेरे को खा जाएगा। बेचारा मेरे हाथों मारा गया, काश इसने चोप को ना खाया हो, नहीं तो मैं जंगल को आग लगा दूंगा। हो सकता है यहाँ पर और जानवर हो, मेरे को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सामने कोई नदी लग रही है, चोप वहाँ पानी पीने गया होगा, पर पानी वाली जगह पर दूसरे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। चलो जो होगा देखा जाएगा। गाइस मेरे को यहाँ पर भी कहीं पर भी चोप नजर नहीं आ रहा, देखो पानी में नाव डूबी हुई है, आखिर ये किसकी हो सकती है? ओ माय गॉड, पानी के अंदर तो सोने के बिस्किट पड़े हुए और नाव के अंदर तो काफी सारे, शायद कोई सोना लेकर यहाँ से गुजर रहा होगा, पर जंगली जानवरों ने उसे खा लिया। इनकी कीमत करोड़ों की होगी, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। पर पहले चोप को खोज लेता हूँ, सोना बाद में आकर ले जाऊंगा। एक तो यहाँ पर झाड़ियाँ काफी है, इनमें कुछ नजर नहीं आता। ओ भाई साहब, अभी ये सामने कौन है? मेरे को तो कोई दानव लग रहा है, कहीं मैं इसके एरिया में तो नहीं आ गया? इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो ये हल्के ज़ॉम्बी हो, पर उसने मेरे को नहीं देखा, नहीं तो उसके हाथों मारा जाता। अच्छा होगा मैं साइड में से निकल जाऊं, एक तो सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं मैं कहां पर जा रहा हूं। कोई गांव आ गया और सामने कोई लेटा हुआ है, मेरे को तो ये आदिवासियों का गांव लग रहा है, पर यहाँ पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? यार ये तो सो नहीं रही बल्कि मरी हुई पड़ी है, और सामने झोपड़ी के अंदर एक और इंसान पड़ा हुआ है। यार इसको तो मार कर कोई आग में पकने के लिए छोड़ दिया, पर मेरे को ऐसा लग रहा है ये अभी तक जिंदा है क्योंकि इसकी आंखें हिल रही है और ये अभी तक जगा हुआ है। मेरे को इसको बचाना होगा, मैं इसको मरते हुए नहीं छोड़ सकता। ओ माय गॉड, वो हल्क तो यहाँ गया, पर ये लड़की के पास क्यों जा रहा है? शायद उसको खाने वाला होगा। यार ये तो उसको खाने लग गया, कहीं ये मेरे को भी ना खा जाए। अगर मैं बाहर निकला तो ये मेरे को देख लेगा, पर गाइस यहाँ से भागना तो पड़ेगा ही। जल्दी से जंगल के अंदर चला जाता हूँ, बस अब वो यहाँ पर ना आ जाए। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है उसने चोप को भी मार कर खा लिया होगा। ओ भाई साहब, ये तो मेरे को सूंघते हुए यहाँ पर भी आ गया, मेरे को भागना होगा। चलो जंगल से बाहर निकल कर हम ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, पर मैंने उसको गोली मार दी, शायद वो मर चुका होगा। अबे नहीं ना यार, ये तो जिंदा बच गया और देखो मेरी तरफ आ रहा है, मेरे को यहाँ से दूर भागना होगा, पर वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। ऐसा करता हूँ वापस जंगल में भाग जाता हूँ, और कोई रास्ता भी नहीं है, पर वो तो जंगल में भी आ जाएगा। मेरे को कोई छुपने की जगह खोजना होगा। यार सामने तो दो टेंट है, मैं उनके अंदर जाकर छिप जाता हूँ, मेरे को नहीं लगता उसको मेरे बारे में पता चलेगा, बस वो जल्दी से यहाँ से चला जाए, तब तक मैं यही इंतजार करूंगा। ओके तो गाइस वो चला गया, मेरे को भी घर जाना चाहिए। एक तो इस दलदल ने मेरे को काफी परेशान कर दिया, मैं ठीक से भाग भी नहीं पा रहा, ऐसे तो वो हल्क वापस आ जाएगा। अरे वाह, यहाँ तो एक और गांव है, पर सामने पिंजरे में कौन बंद है? ओ माय गॉड, चोप तो अभी तक जिंदा है, और यहाँ तो जानवर के साथ इंसान को भी पकड़ रखा है, और ये तो वही जानवर था जिसको मैंने मार डाला था। मेरे को इनको बाहर निकालने के लिए पिंजरे की चाबी खोजना होगा, वो जरूर घर के अंदर होगी, मेरे को जाकर देखना चाहिए। क्यों ना थोड़ी देर यहाँ लेट कर मैं थोड़ा आराम कर लूं, पर ये चोप भौंकना क्यों शुरू कर दिया? अबे ये कमीना तो वापस आ गया, देखो कैसे खड़ा होकर बेचारी लड़की को घूर रहा है। उसने तो लड़की को बाहर निकाल कर जान से मार डाला, मेरे को उसका ध्यान भटकाना होगा ताकि मैं चोप को बाहर निकाल पाऊँ। ऐसा करता हूँ सामने पत्थर फेंकता हूँ, शायद वो उधर चला जाए। गाइस मेरा प्लान कामयाब हो गया, वो तो यहाँ से जा रहा है। अब मैं बिना देरी किए चोप को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके लिए सबसे पहले मेरे को पिंजरे को तोड़ना होगा। आखिरकार मैंने चोप को बाहर निकाल लिया, अब मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। अबे नहीं ना यार, ये दानव तो वापस आ गया और वो तो चोप को उठाकर खाने लग गया, शायद उसको खाने के बाद वो मेरे को भी खाने आए। मेरे को जल्दी से छुपने की जगह खोजना होगा, यहाँ तो कोई प्लेन पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ। अब मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक अंधेरा ना हो जाए। ओके तो
तो गाइस रात हो गई, लेकिन वो दानव तो अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। शायद वो समय आ गया जब मैं इसके हाथों मरने वाला हूँ। अरे वाह, चोप तो जिंदा है और उसने तो हल्क पर हमला कर दिया। अब वो मर जाएगा यार, ये तो खड़ा हो गया, अब क्या होगा। पर वो तो यहाँ से भाग रहा है, पर चोप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरे को चोप के पास जाना होगा यार, ये तो हल्क की बैंड बजा रहा है, शायद उसको खाकर ही मानेगा। अरे वाह, चोप ने तो इसको मार डाला। गाइस मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि चोप ने मेरी जान बचा ली। चलो अब पानी में से सोना उठा लेते हैं। पर गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो मैं ऐसी शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,